वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलते हैं लुधियाना के जाने माने डेंटल सर्जन, लुधियाना डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर विक्रमजीत सिंह ढिल्लन के पास। और गर्मियों में दांतों की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो उसके बारे में एक विशेष टॉक उनके साथ करते हैं। पहले तो जी मैं सबको अपनी सत श्री अकाल और नमस्कार बुलाऊंगा। और जी मैं डॉक्टर विक्रमजीत सिंह ढिल्लन, जैसा आपको भी बताया गया, आई एम हेड लुधियाना डेंटल सेंटर। मैं ये होलसेल क्लिनिक को रन कर रहा हूँ अलॉन्ग विद अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट, जैसे कि हमें डिज़ायर्ड होता है काम के लिए। तो जी हम अलग अलग तरीके के पेशेंट देखते हैं जो हमारे पास आते हैं। कईयों को दांत में दर्द होता है, कीड़ा लगा होता है, दांतों में सेंसिटिविटी होती है और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की। और जी अगर हम ये सवाल लेके चलें कि गर्मियों के मौसम में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, तो जी एक ठंडे और गर्म के बीच में, स्पेशली हमारा पंजाब अगर हम लें, तो एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जो कि हार्ट ऑफ द कंट्री है, जिसे कहते हैं आप, इट्स नॉट क्लोज टू द सी, समुंदर के सामने नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सर्दियों और गर्मियों का एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर काफ़ी रहता है। इट्स नॉट अ मॉडरेट क्लाइमेट जैसे हमारे बॉम्बे वगैरह में होता है, वहाँ पे एक समान सा टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे जैसे हमारा लुधियाना है, यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा होता है कि सर्दियों में बहुत ठंड, जैसे 0 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री, और गर्मियों में 40 डिग्री 45 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। और कभी कभी तो लोगों ने आके कहा है कि जी 50 डिग्री पहुँच गया। खैर चलिए, तो इसका मेन फ़र्क क्या पड़ता है कि जब सर्दियों में बहुत सर्दियाँ होती हैं, गर्मियों में बहुत गर्मियाँ होती हैं, तो एज़ फार एज़ हमारी डेंटिस्ट्री कंसर्न्ड होती है, तो जो हम खाना खाते हैं और स्पेशल रूप से जो हम पानी पीते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है। क्योंकि पानी पीने में लोग सर्दियों में अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए लोग गर्म करके पानी पीते हैं। लोग चाहते हैं कि हम अवॉइड करें कि ठंडा पानी पिएं, ताकि गला ना पकड़ा जाए और किसी भी प्रकार का फीवर ना हो। और जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, हम अपने एसीज ऑन कर लेते हैं, हम पानी को वापस नॉर्मल या ठंडा पीना शुरू कर देते हैं, या फॉर दैट मैटर जो लोग अपनी पार्टी वगैरह में जाते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स में या जो भी वाइन विस्की जो भी उन्होंने पीनी है, उसमें बर्फ़ डाल के पीते हैं। तो इसका जी बेसिक इफ़ेक्ट दांतों पे बहुत इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दांतों में बीच में सबसे सेंटर में होता है पल्प। पल्प जी सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टिश्यू है, एक तरीके से कह सकते हैं बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टिश्यू है। और पल्प की, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं दांत की, सबसे पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसने कुछ भी, किसी भी सेंसेशन को, चाहे आप मीठा देंगे, चाहे आप गर्म देंगे, चाहे आप ठंडा देंगे, दांत मीठा गर्म ठंडा नहीं पता लगा सकता, ये भेदभाव इन चीज़ों में नहीं कर सकता। इसके पास बस एक ही सेंसेशन है, पेन। टूथ विल ओनली अप्रिशिएट एनी सेंसेशन एज पेन। पेन इज द ओनली परसेप्शन दैट कैन बी परसीव विद द टूथ। ये ठंडा नहीं बता सकता, गर्म नहीं बता सकता, मीठा नहीं बता सकता, स्वाद नहीं बता सकता, वो हमारी जीभ का काम होता है। तो वापस आते हैं हम अपने सवाल पे कि जब हमारी गर्मी या सर्दियाँ आती हैं, तो सबसे मेन ऑल्ट्रेशन या मेन चेंज हमें पेशेंट में क्या नज़र आता है। पेशेंट हमारे पास सेंसिटिविटी या फिर पेन के रूप में आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब ठंडा लग रहा है, और हम कहते हैं जी पेन है, वो कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब सेंसिटिविटी है। अब सेंसिटिविटी का क्या मतलब हुआ, ठंडा लगा, दांत में दर्द हुई, उसे कह दिया सेंसिटिविटी। तो जी गर्मियों सर्दियों के लिए मेन मैं एक चीज़ ये एडवाइस करना चाहूँगा कि सर्दियों में एक मॉडरेट टेम्परेचर का पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, बढ़िया है सेहत के लिए। मगर जैसे ही हमारी गर्मियां वापस आती हैं, एकदम से बहुत ठंडा पानी या फिर एकदम से आइस कोल्ड पानी या वैसे वर्षा, कई लोग सर्दियों में गर्म पानी का उपयोग या इस्तेमाल नहीं करते, उनको मैं ये कहूँगा सर्दियों में हल्का सा गर्म पानी पिएं। और जब गर्मियां आती हैं, तो टेम्परेचर या तापमान जो पानी का होता है, उसको आप साधारण रखें, या फिर नॉर्मल टैप वाटर टेम्परेचर, या इवन बिस्लरी के जो डिस्पेंसर्स होते हैं, उसमें से कोल्ड की जगह नॉर्मल टेम्परेचर से अगर आप पानी पियेंगे, तो इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। सेकेंड जी मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, जैसे जब हम विलेजेस में रहते थे पुराने टाइम में, तो हमारे पास सफिशिएंट सनलाइट एक्सपोजर होता था,
इसका भी हमें बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है, जिसके वजह से हमारी स्किन विटामिन डी बहुत कम बनाती है। स्किन पे सन का एक्सपोजर होता है, विटामिन डी बनता है, विटामिन डी के वजह से कैल्शियम अब्सॉर्प्शन होता है, और कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, हमारी बोन्स की कैल्सिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और कैल्सिफिकेशन की वजह से या हमारे दांतों में अच्छा कैल्शियम हो तो हमें ठंडा या गर्म नहीं लगता। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आजकल हम सारे अर्बन हाउसहोल्ड में या फिर शहरों में हम इंडोर्स रहना प्रेफर करते हैं, एसी में, या फिर सर्दियों में वाइस वर्सा हम हीटर चलाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा प्रभाव ये आना शुरू हो गया है कि 99% मेरे हिसाब से, शायद मैं भी होऊंगा, 99% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल बी डेफिशिएंट इन कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो इसका जी मैं रेकमेंड करूंगा सबको कि जाके केमिस्ट के पास जाएं, वहां से विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स खरीदें, और बहुत ही नॉर्मल है, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। उसका 2 या 3 महीने का कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद 2 या 3 महीने की ब्रेक दीजिए, दे दीजिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो एक नॉर्मल अगर विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल अगर आपकी बॉडी में बना रहेगा तो आपके दांतों में मिनरलाइजेशन अच्छी होगी, और दांत इन टर्न ठंडा या गर्म की सेंसिटिविटी या फिर पेन इतनी परसीव नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपके टेलीविज़न पे आके और आपका ये पूरा इंटरव्यू देके, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा, और सारे मेरे दर्शकों को जो सुन रहे हैं, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये चीज़ सुन के दर्शक मेरे पूरे अच्छे से इसका लाभ उठाएंगे, इसको सिर्फ सुनेंगे नहीं, इसको करनी में डालेंगे और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। अब इंतज़ार रहेगा आपके व्यूज़ का कि आपको ये टॉक कैसी लगी, क्योंकि हमें आपकी जहाँ मनोरंजन की चिंता होती है वहीं साथ ये भी चिंता होती है कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप खुश रहें और खुशहाल रहें। वॉइस ऑफ एशियंस का यही मिशन है। तो जाने से पहले यही कहेंगे कि अगर आपने अब तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट और नई और ताज़ी खबरें आप ज़रूर देखते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका, सुखमिंदर सिंह, लुधियाना, वॉइस ऑफ एशियंस। नमस्कार।